हेलो दोस्तों, पावर प्लांट के इस नए टॉपिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूल हैंडलिंग और स्टोरेज। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है फ्यूल हैंडलिंग और स्टोरेज। प्लांट को उसके रिसीविंग लोकेशन जैसे कोयला खदान इत्यादि से फ्यूल ट्रांसपोर्ट और इसे प्लांट परिसर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना फ्यूल हैंडलिंग कहलाता है। प्लांट परिसर से सुरक्षित रूप से फ्यूल रखने की सिस्टम को फ्यूल स्टोरेज कहा जाता है। अब आप इसमें देख पा रहे होंगे कि दो वर्ड लिखा हुआ है, फ्यूल हैंडलिंग और दो स्टोरेज। इसको हम दो टॉपिक भी समझ सकते हैं कि ये क्या है, आपके दो अलग अलग टॉपिक भी हैं। फ्यूल हैंडलिंग अलग है और स्टोरेज अलग है। हैंडलिंग के अंतर्गत, फ्यूल हैंडलिंग के अंतर्गत जो हम कोयला खदानों से प्राप्त करते हैं और उसे प्लांट तक पहुंचाने का जो सिस्टम होता है वो हमारा फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। और जो दूसरा हमारा स्टोरेज होता है, तो प्लांट में जो सुरक्षित रूप से या जो भी हम फ्यूल को यानी कि एज ए फ्यूल कोयले के रूप में जो हम रखने की व्यवस्था करते हैं उसको हम फ्यूल स्टोरेज कहते हैं। एक बार फिर से मैं बता दूं, फ्यूल हैंडलिंग प्लांट से खदानों से प्लांट तक ले जाने में जो भी व्यवस्था का उपयोग किया जाता है वो फ्यूल हैंडलिंग के अंतर्गत आता है। और उसके बाद जो स्टोरेज की सुविधा होती है यानी कि रखने की जो सुविधा होती है वो आता है स्टोरेज के अंतर्गत। स्टोरेज दो विधियों से किया जाता है, पहला है आउटडोर और दूसरा है इंडोर। नाम से ही पता चल रहा है, आउटडोर और इंडोर यानी कि अंदर और बाहर। फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम पहले पढ़ लेते हैं कि फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम क्या होता है। यह वह सिस्टम है जो फ्यूल को उसके रिसीविंग पॉइंट से दहन उपकरण तक ले जाता है। फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम दो प्रकार की हो सकती हैं, पहला है लेबर सिस्टम और दूसरा है मैकेनिकल सिस्टम। बड़े पावर प्लांट में लेबर सिस्टम की मदद से कोयले की छटनी करना संभव नहीं है। आप ये दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि जो आपके बड़े पावर प्लांट होते हैं इसका जो मेनली जो वर्क होता है फ्यूल हैंडलिंग का, ये आप मजदूर से नहीं करवा सकते हैं या लेबर से नहीं करवा सकते हैं। इसलिए उचित कंट्रोल के साथ सरल और बाधा रहित फ्यूल हैंडलिंग मैनेजमेंट बनाने के लिए मैकेनिकल सिस्टम का उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न टूल्स और डिवाइसों के उपयोग के लिए फ्यूल का उपयोग किया जाता है। एक मैकेनिकल सिस्टम में उपकरणों की संख्या और उनकी नेचर आदि प्लांट के विभिन्न घटकों पर निर्भर करती है, जैसे फ्यूल फ्लो डायग्राम, प्लांट लोकेशन और कैपेसिटी, फ्यूल लिक्विडिटी आदि। इन सब तथ्यों पे आपका ये प्लांट होता है ये निर्भर करता है। तो अब तक जो हमने पढ़ा फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम, अब तक मैंने ये जाना कि ये दो प्रकार की होती है, लेबर सिस्टम और मैकेनिकल सिस्टम से चलाया जा सकता है। लेबर सिस्टम आप कह सकते हैं कि जो छोटे पावर प्लांट होते हैं उसमें लेबर सिस्टम से काम चल जाता है, लेकिन जो बड़े पावर प्लांट हैं या होते हैं उसमें लेबर सिस्टम से वर्क स्मूथली नहीं हो सकता है। यानी कि जो फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम है ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकता है, उसमें रुकावटें आएंगी। इसकी वजह से मैकेनिकल सिस्टम को अपनाना पड़ता है, मशीनों को अपनाना पड़ता है। स्टीम पावर प्लांट में पूरे प्लांट की ऑपरेटिंग कास्ट का आधा भाग कोयले की खपत पर खर्च होता है। कोयले की खपत इन द सेंस ये
कि कोयला खदानों से लेकर आपके प्लांट तक आना और इसको स्टोरेज का कॉस्ट, यानी कि कोल से रिलेटेड या फ्यूल से रिलेटेड जो भी कॉस्ट होता है, ये पूरे पावर प्लांट का आधा होता है। यानी कि अगर हम माने कि एक पावर प्लांट को तैयार करने में अगर 1000 रुपये लगे हों, एग्जांपल में इतना कम रुपए में कोई पावर प्लांट तैयार हो नहीं सकता, लेकिन हम मान सकते हैं, तो उतना ही क्या होगा आपका कोयले पे भी खर्च होगा, ठीक है, उतना ही क्या होगा आपका कोयले पे भी खपत का खर्च आएगा। इसलिए कोल का मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। प्लांट के अंदर कोयले की हैंडलिंग को इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए कि कोयले को प्लांट से न्यूनतम दूरी तय करनी पड़े, ठीक है। तो कोयले का जो मैनेजमेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपके इस थर्मल पावर प्लांट में, या आप कह सकते हैं कोल बेस्ड पावर प्लांट में। और इसका जो सिस्टम है कोल फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम, इसको आसान से आसान बनाने की कोशिश की जाती है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको ध्यान में रखा जाता है। पहला है, हैंडलिंग की विधि सरल और विश्वसनीय होनी चाहिए। यानी कि जो फ्यूल हैंडलिंग का जो विधि होता है, मेथड होता है, वो थोड़ा सा सरल होना चाहिए, मतलब कि इजी होना चाहिए, और उस पर विश्वास किया जा सके कि हाँ, इस हैंडलिंग सिस्टम से या इस मेथड से आसानी से आपका प्लांट का जो वर्क होगा ये स्मूथली वर्क करेगा। और दूसरा पॉइंट है, इसके लिए न्यूनतम क्रिया और ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होनी चाहिए। प्लांट की हैंडलिंग कैपेसिटी ऐसी होनी चाहिए जो कि पीक लोड पर भी कोयले की आपूर्ति कर सके। नेक्स्ट, इसे इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए कि कोयले की रगड़ की वजह से अंगों की न्यूनतम पिसाई और टूट फूट हो। अगला पॉइंट है, इस पर होने वाला मेंटेनेंस व्यय न्यूनतम होना चाहिए, यानी कि कम से कम होना चाहिए। हैंडलिंग उपकरणों को इस तरह से चुना जाना चाहिए कि निरीक्षण और मेंटेनेंस सरल और सस्ती हो, जो कि पांचवा और छठा पॉइंट है, एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, जिसमें ये बताया गया है कि मेंटेनेंस वगैरह की कॉस्ट जो है वो कम से कम आए। अब आते हैं एक अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक उसी से रिलेटेड है, जो कि बताता है कि कोयले के हैंडलिंग के जो महत्वपूर्ण चरण हैं, यानी कि कोल हैंडलिंग के जो इम्पोर्टेंट स्टेप हैं वो क्या क्या या कौन से होते हैं, उसके बारे में बताया जाएगा। आपको हम एक छोटे से फिगर से समझाने की कोशिश करेंगे। आई होप आप लोगों को ये जो फिगर है ये उस स्मूथली या आसानी से या क्लियर दिख पा रहा होगा। तो सबसे पहले हम इस फिगर को डिस्कस करते हैं। सबसे ऊपर में दिखाया गया है कि ईंधन की प्राप्ति की जाती है, ठीक है, ईंधन की प्राप्ति की जाती है, उसके बाद रेल ट्रक या नाव द्वारा उसकी प्राप्ति की जाएगी, फिर उसको उतारा जाएगा। उतारने के बाद उतारने के लिए जो उपकरण यूज किए जाएंगे वो भी आपको बताए गए हैं, टावर, ब्रिज, लिफ्ट, ट्रक, कॉर्सेकर, घुड़ी कार, डंकर, क्रेन व बकेट। अब ये सब जो भी इक्विपमेंट होते हैं, जो भी ईंधन को या कोयले को उतारने के लिए जो प्रोसेस यूज किए जाते हैं, ये हम विस्तार पूर्वक नेक्स्ट या अगली कुछ क्लासेस में आपसे डिस्कस करेंगे कि उतारने के कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, इसको विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। उसके बाद उसका स्थानांतरण, फिर कवर क्रिया भंडारण, माप तौल होता है, माप तौल के बाद आपका संयंत्र में भीतरी हैंडलिंग होती है, उसके बाद आउटडोर भंडारण, उसके बाद तैयारी की जाती है, तैयारी करने के बाद
संयंत्र के भीतर की हैंडलिंग होती है और भट्टी में फायर करवाते हैं। साइड साइड में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं जो कि उपकरण के बारे में बताए गए हैं कि किस प्रोसेस में कौन सा उपकरण यूज किया जाता है। तो तैयारी के लिए जो उपकरण यूज किया जाता है, क्रेशर, साइजर, ड्रायर, ब्रेकर और चुंबकीय सेपरेटर। तैयारी का इन द सेंस ये है कि कोयले को लाने से लेके आप ले आएंगे, तुरंत उसको जला नहीं देंगे, तुरंत उसको भट्टी में नहीं डाल देंगे, उसके बाद भी उस पर प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, कई सारे प्रोसेस करना पड़ता है, जिसमें कि ये जो तैयारी एक प्रोसेस है ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। तैयारी का मतलब ये है कि कोयले को छोटे छोटे रूप में विभाजित करना, उसको साफ करना या फिर और सारे प्रोसेसेस का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद उसी के जस्ट नीचे लिखा हुआ है स्थानांतरण के लिए उपकरण, यानी कि कोल के स्थानांतरण के लिए जो उपकरण यूज किए जाते हैं वो बताए गए हैं, बेल्ट कन्वेयर, स्क्रू कन्वेयर, बकेट एलिवेटर, चुंबकीय सेपरेटर। ये सारे क्या करते हैं, स्थानांतरण के लिए या ट्रांसफॉर्मेशन के लिए या ट्रांसफ़र के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि कोयले को अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना रहेगा तो इन सब सारे प्रोसेसेस का या इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है या किया जा सकता है। अगला उसके नीचे आप देख पा रहे होंगे, कवर भंडारण के लिए उपकरण, बीम, बंकर, इंडिकेटर, गेट तथा वॉल्व का इस्तेमाल किया जाता है। और फिर वही स्थानांतरण के उपकरण दोबारा बताया गया है, जो कि ये उचित नहीं है, ये एक ही बार में समझाया जा सकता था या बताया जा सकता था, इसलिए मैं दोबारा इसको नहीं बताऊंगा। अब है माप तौल के लिए उपकरण, पैमाना, लॉरी, हापर, कोयला मीटर। ये सारे नाप तौल के उपकरण हैं जिससे कि कोयले का नाप तौल किया जाता है कि कोयला कितना आपका फर्नेस में यूज हो रहा है या कितना अब तक यूज हो पाया, कुछ ये नाप तौल के पैमाने हैं। आप कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो जाहिर सी बात है आप वहाँ खरीदने के बावजूद बाद में भी नाप तौल करते हैं, तो उसी को बताया गया कि यहाँ पे नाप तौल भी किया जाता है। या फिर अगर आप मान लीजिए कि बाज़ार से कुछ खरीदने जा रहे हैं, अगर आलू ही खरीदने जा रहे हैं, मान लिया कि आप इतना तो नहीं है कि एक टाइम में जितना आपको बनाना है उतना ही ले आएंगे, ये ज़रूरी नहीं है। आप ये भी हो सकता है कि जाएं और मार्केट से आप 5 किलो खरीद के लाएं, उसके बाद लाएंगे घर पे, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उतना आप यूज ही कर लेंगे। फिर आप अपने पैमाने से क्या करेंगे, एक टाइम का उसमें से निकाल लेंगे और उसको यूज करेंगे। तो सेम इसी तरह कोयले को क्या किया जाता है, फर्नेस में जितना अलाउ रहता है या जितनी जगह होती उतना पैमाने से तौल लिया जाता है और उसको फर्नेस में डाल दिया जाता है, जिसको बर्न करवा दिया जाता है। तो पैमाने का यही मतलब है, या फिर यह भी मतलब हो सकता है कि उसको तौलने के लिए या रीचेक करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। अब अगला है फ्यूल या कोयले की आपूर्ति। एक एक करके हम समझेंगे कि ये जो अब तक मैंने फिगर के माध्यम से समझा, एक एक करके हम समझते हैं। फ्यूल या कोयले की आपूर्ति, कोयला खदानों से प्लांट तक कोयले की प्राप्ति विभिन्न ट्रांसपोर्ट साधनों के माध्यम से संभव है। ये उपकरण रेल, ट्रक, नाव आदि हो सकते हैं, जैसा कि मैंने फिगर में बताया है या फिर ऊपर आपको फिगर में दिखाया भी गया है, बॉक्स में लिखा हुआ है कि रेल, ट्रक, नाव आदि इसके माध्यम हो सकते हैं ट्रांसपोर्ट के उपकरण उपयुक्त होगा। यह प्लांट की भौगोलिक स्थिति, प्लांट की कैपेसिटी, टन प्रति घंटा और स्टोरेज सुविधाओं आदि पर निर्भर करेगी। हालांकि बड़े पावर प्लांट के लिए रेल मार्ग सबसे उपयुक्त है। अब ये पॉइंट जो आपको लिखा गया है, इससे ये समझने की ज़रूरत है कि जिस जगह पे जो ट्रांसपोर्ट साधन सुगमता से या आसानी से अवेलेबल हो पाएगा या होता है उसको वहाँ पर यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल में अधिकतर जो ट्रांसपोर्ट का माध्यम कोयले की आपूर्ति के लिए यूज किया जाता है वो रेलवे का होता है, यानी कि रेल मार्ग का अधिकतर उपयोग किया जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा पावर प्लांट ऐसी जगह स्थित हो जहाँ कि रेल मार्ग ना हो, पटरी ना हो, रेल की व्यवस्था वहाँ तक ना पहुँच सके, तो क्या किया जाए, वहाँ तो मजबूरन और किसी साधन का प्रयोग करना पड़ेगा। इस वजह से
ट्रांसपोर्ट के कई सारे साधन जो अवेलेबल हैं, लेकिन अधिकतर रेल मार्ग की ही उपलब्धता के कारण यूज किया जाता है क्योंकि सस्ता होता है। दूसरा पॉइंट है कोयला उतारना, अनलोडिंग ऑफ कोल। कोल आ जाएगा प्लांट तक, फिर उसके बाद उसको उतारना भी पड़ेगा, तो उतारने के लिए बताया गया है कि कैसे उतारा जाएगा उसको। प्लांट परिसर में कोयले को उतारने के लिए किस इक्विपमेंट या डिवाइस का उपयोग किया जाना है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि कोयला कैसे प्राप्त होता है। छोटे आकार के प्लांट के लिए श्रमिक द्वारा हैंड टूल्स की मदद से फ्यूल उतारा जाता है, जबकि मैकेनिकल डिवाइसों और उपकरणों का उपयोग बड़े प्लांट के लिए किया जाता है। यदि कोयला ट्रकों द्वारा प्राप्त किया जाता है तो इसे हैंड टूल्स की मदद से उतारा जाता है। यदि ट्रक में स्कूप है तो आपको नेक्स्ट फिगर में हम दिखाएंगे कि कैसे कोल को उतारा जाता है। अब जो कोयले के उतारने का प्रोसेस है, आप लोग जानते ही होंगे कि अगर कम है यानी कि ट्रकों से आया है तो इसको मजदूर उतार सकते हैं, लेकिन अगर बात की जाए कोल अगर रेल मार्ग से या फिर रेलवे के माध्यम से आया हो तो क्या इसको मजदूर आसानी से निकाल सकते हैं? नहीं, अगर निकालेंगे भी तो उतारने भी लगेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, जिसकी वजह से रेल की जो कॉस्ट होगी, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आपको एक दो दिन रेलवे को की गाड़ी को या मालगाड़ी को जो कि कोयला लाएगा उसको वहाँ पर खड़ा करना पड़ेगा। जब उसको खड़ा करना पड़ेगा वहाँ पे, तो जाहिर सी बात है कि उसका टाइम का जो कॉस्ट होगा वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से कोयले की जो कॉस्ट होगी उस पर ज़्यादा दबाव आएगा और ये संभव नहीं है। इसके लिए कुछ इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से आसानी से उतारा जा सके। अब ये आप फिगर देख पा रहे होंगे कि ट्रक स्क्रिप सहित, ये एक फिगर दिखाया गया है। इसमें फिगर के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की गई है कि ट्रक से कोयला कैसे गिराया जाता है। आप लोग देख पा रहे होंगे एक प्लेटफॉर्म टाइप का बना हुआ है, उसके बीच में एक होल है जहाँ से जो ट्रक है वो हाइड्रोलिक माध्यम से नीचे की तरफ कोयले को गिरा दे रहा है और वो स्टोरेज में चला जा रहा है। आगे आप देख पा रहे होंगे, अब नीचे भी कुछ लिखा हुआ है, जब कोयले को रेल कार या वैगन द्वारा प्राप्त किया जाता है तो प्लांट परिसर में निर्मित रेलवे साइडिंग में कोयले का डिस्चार्ज होता है। कोयले को श्रमिक द्वारा या हापर तली वाले वैगन द्वारा उतारा जा सकता है। यदि कोयला गीला है तो कार क्रेशर का उपयोग भी किया जा सकता है। अब ये कार क्रेशर क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। कार क्रेशर एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा कोयला के ढेर में वाइब्रेशन को उत्पन्न किया जाता है। इससे हॉपर से कोयले से निकलने की दर बढ़ जाती है। अगला पॉइंट है कोयले की तैयारी, थर्ड पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ कोल। कोयले की तैयारी से तात्पर्य कोयले के वांछित आकार में ब्रेकिंग, सॉर्टिंग, आवश्यक आकार बनाने यानी कि फॉर्मिंग, सुखाने की प्रक्रिया, स्टोरेज और फायरिंग के दृष्टिकोण से वांछित आकार में कोयले को तोड़ना आवश्यक है। ये सारे प्रोसेस जो हैं वो कोयले की तैयारी यानी कि प्रिपरेशन ऑफ कोल के अंतर्गत आते हैं। प्लांट में प्राप्त कोयला असमान आकार का होता है और इसमें मिट्टी या धूल के कण, लोहे के कण और नमी आदि भी होते हैं। ऐसे कोयले का उपयोग सीधे भट्टियों में करना हानिकारक होगा, इसलिए कोयले का उपयोग करने से पहले तैयार किया जाता है, जिसके लिए प्लांट के अंतर्गत या अंदर निम्नलिखित क्रियाएं की जाती हैं। पहला क्रशिंग, दूसरा आकार देना, तीसरा सुखाना और चौथा है मैग्नेटिक सेपरेटर। यानी कि ये सब प्रोसेसेस का इस्तेमाल आपको
प्रिपरेशन ऑफ कोल के अंतर्गत करना पड़ता है। ये क्यों करना पड़ता है? क्योंकि कोयला जब प्राप्त होता है तो वो विभिन्न आकार का होता है और उसमें मिट्टी और धूल के कण भी होते हैं, और जाहिर सी बात है कि कोल जब खदानों से प्राप्त होगा तो उसमें कुछ लोहे के भी कण होंगे और नमी भी होगी। नमी को भी हटाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि नमी अगर कोल में रह जाएगी तो आसानी से बर्न नहीं होगा, जिसकी वजह से इन सारे प्रोसेसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें से नमी को हटाने के लिए सुखाने का प्रोसेस करना पड़ता है और आकार देना, तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि उसको छोटा छोटा आकार देना पड़ता है। क्रशिंग प्रक्रिया एक क्रशर में की जाती है, जहां कोयले के बड़े टुकड़े टूट जाते हैं और छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं। एक आकार में कोयले को प्राप्त करने के लिए एक साइजर का उपयोग किया जाता है, वे आमतौर पर क्रशर में ही लगे रहते हैं। ड्राइंग अर्थात कोयला सुखाने की प्रक्रिया के अंतर्गत नम कोयले पर गर्म फ्लू गैसों को प्रवाहित किया जाता है, इसके लिए ड्रायर का उपयोग किया जाता है। कोयले में उपस्थित नमी फ्लू गैसों से वाष्पित हो जाती है और कोयला सूख जाता है। बर्नर के ब्लॉक होने की संभावना से बचने के लिए कोयले में उपस्थित लोहे के कणों को अलग करना भी आवश्यक है, जिसके लिए एक मैग्नेटिक सेपरेटर का उपयोग किया जाता है और एक पावरफुल मैग्नेट कोयले के ऊपर घुमाया जाता है, जिससे आयरन कण को कोयले से अलग किया जाता है। जैसा कि अब तक मैंने आपको बताया कि कोयले से नमी को अलग किया जाता है, नमी को हटाया जाता है किसके माध्यम से? फ्लू गैसेस के माध्यम से, ठीक है। मिट्टी और धूल के कण को हटाया जाता है और क्रशर में कोयले को छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाता है, और एक मैग्नेटिक सेपरेटर होता है, यानी कि जो आपका मैग्नेट का एक बड़ा सा टुकड़ा होगा, या जो कि कोयले के ऊपर घुमाया जाता है, जिसकी वजह से उसमें अगर कुछ लोहे के कण होते हैं तो उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और वो कोयले से निष्कासित कर दिए जाते हैं। अब अगला आपका जो टॉपिक है ये है ट्रांसफर का। ट्रांसफर प्रक्रिया के अंतर्गत कोयले को स्टोरेज स्थल पर उतारने से लेकर और वहाँ से भट्टी तक पहुँचाना आता है। इस प्रक्रिया के लिए कई उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। पहला बेल्ट कन्वेयर, बकेट एलिवेटर, स्क्रैपर कन्वेयर, स्क्रू कन्वेयर, स्क्रिप्ट हाइस्ट, ग्रैब बकेट कन्वेयर इत्यादि है। ये सब जो उपकरण हैं इनका इस्तेमाल ट्रांसफ़र के लिए या कोयले को एक जगह से दूसरे जगह, प्लांट में ही एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए यूज में लाया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे बेल्ट, एक एक करके इन उपकरणों को समझेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे। पहले पढ़ते हैं एक एक करके। पहला जो टॉपिक होगा ये होगा बेल्ट कन्वेयर। बेल्ट कन्वेयर का उपयोग बड़े प्लांट में बड़ी मात्रा में कोयले को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। एक बेल्ट कन्वेयर की अनुप्रस्थ काट, यानी कि जो जिस तरह का उसका शेप रहता है, उसको फिगर में दिखाया गया है, आप लोग देख पा रहे होंगे। इसमें एक एंडलेस बेल्ट कन्वेयर के दो सिरों पर लगे ड्रमों या पुलियों पर घूमती रहती हैं। बेल्ट को सपोर्ट देने के लिए कन्वेयर की लंबाई में थोड़ी थोड़ी दूरी पर निष्क्रिय रोलर लगे होते हैं। रोलर को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है जिससे कि बेल्ट की अनुप्रस्थ काट पर कोयले के भार से पड़ने वाले झोल के लिए स्थान बना रहे।
फिगर में आप लोग देख रहे होंगे नीचे रोलर है, उसके ऊपर बेल्ट है जो कि उसी पे मूव करता है, और एक वापसी रोलर बीच में एक साइड लगा हुआ है, और ऊपर में कोयला है और एक फ्रेम का बना हुआ एक फ्रेम है जिसपे कि ये पूरा उपकरण सपोर्ट करता है। बेल्ट कन्वेयर में प्रयुक्त बेल्ट रबर, कैनवस या पाल्टा आदि से बनी होती हैं। कन्वेयर को 36 से 20 डिग्री के कोण पर तक संचालन किया जा सकता है। बेल्ट की औसत गति 60 से 100 मीटर पर मिनट हो सकती है। बेल्ट कन्वेयर द्वारा कोयले की हैंडलिंग 400 मीटर तक की जा सकती है। इसकी कोयला हैंडलिंग की क्षमता 50 से 100 टन पर आवर है। अब बेल्ट कन्वेयर के एडवांटेजेस क्या हैं वो देख लेते हैं। कोयले की आपूर्ति निरंतर और अधिक दूर तक हो सकती है, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि 400 मीटर तक कोयले की आपूर्ति इसके द्वारा की जा सकती है। बड़े और मध्यम प्लांट के लिए उपयुक्त है। संचालन और रखरखाव सरल और आसान होता है। अन्य कन्वेयर की तुलना में कम इलेक्ट्रिसिटी खर्च लेता है। बेल्ट की गति को बदलकर कोयले के हस्तांतरण की दर को बदला जा सकता है। बेल्ट को कवर करके कोयले को बारिश और धूल से बचाया जा सकता है। और इसी में अगला जो उपकरण है ये है बकेट एलिवेटर। बकेट एलिवेटर का उपयोग अक्सर ऊर्ध्वाधर दिशा में कोयले को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। इसमें एक बेल्ट के समान दूरी पर कोयला ढोने वाली बाल्टी लगी होती है, चैन दो पहियों पर घूमती रहती है। अब इस फिगर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे इस फिगर में क्या क्या है। कुछ आपको दांतेदार पहिया दिख रहा होगा एक साइड में, जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे हॉपर दिख रहा है। हॉपर में कोयले का प्रवेश करवाते हैं, और जो आपका दांतेदार पहिया है ये क्या करता है, ये मूव करता है किस पे, आपके रोलर की सहायता से। उस पे रोलर होते हैं, वो रोलर की सहायता से, रोलर मूवेबल होते हैं जिनकी सहायता से दांतेदार पहिया क्या करता है, वो मूव करता है, वो उसी पे घूमता रहता है। देख रहे होंगे इसकी स्पीड भी दिखाई गई है, यानी कि जो उसका रोटेशन है वो भी एरो के माध्यम से दिखाया गया है कि ये नीचे से ऊपर की तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो जब दांतेदार पहिया नीचे की तरफ आएगा और नीचे से जब ऊपर की तरफ जाएगा तो उस दांतेदार पहिए में एक बाल्टी टाइप का होता है, ठीक है। उस तो उसमें क्या रहता है कि कोयला हापर की तरफ भर जाता है, और जब ये पहिया ऊपर की तरफ जाता है या बाल्टी ऊपर की तरफ जाता है तो ये उल्टा हो जाता है और कोयले का वहाँ पर निकास कर देता है। और ये जो उपकरण है ये मैक्सिमम जो इस्तेमाल किया जाता है ये ऊर्ध्वाधर दिशा में ही इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग देख पा रहे होंगे जब स्थापित भी है या फिगर में दिखाया भी गया है तो ये ऊर्ध्वाधर दिशा में ही दिखाया गया, ऊर्ध्वाधर स्थिति में ही दिखाया गया। पूरी व्यवस्था स्टील या एल्यूमिनियम की सीट पर इनक्लोज्ड होती है। खोल के बॉटम पर एक हापर होता है जिसके माध्यम से कोयला बाल्टी पर गिरता है। जब भरी हुई बाल्टी शीर्ष पर उल्टी हो जाती है तो कोयला निकास चित्र की तरह होता है। कोयले को बकेट एलिवेटर द्वारा लगभग 100 फीट की ऊंचाई तक ले जाया जा सकता है, और इसे 60 डिग्री तक झुकाया भी जा सकता है। चैन को उठाने की क्षमता लगभग 75 मीटर पर मिनट की गति से 60 टन पर आवर तक हो सकती है। अब बात करते हैं बकेट एलिवेटर के लाभ क्या हो सकते हैं, यानी कि एडवांटेजेस ऑफ बकेट एलिवेटर। यह व्यवस्था कम जगह घेरती है, क्योंकि क्या ये ऊर्ध्वाधर दिशा में, इस वजह से नीचे का जो फाउंडेशन एरिया है ये कम घेरेगी। दूसरा, रखरखाव और संचालन सरल और सस्ता होता है। थर्ड है, कोयला ऊंचाई से गिरता है इसलिए इसमें डिस्चार्ज की सुविधा होती है। अब इसमें जो थर्ड पॉइंट है, यानी कि जो तीसरा आपका उपकरण है, ये है स्क्रैपर कन्वेयर। स्क्रैपर कन्वेयर का उपयोग
क्षैतिज और लंबवत रूप से कोयले को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है, विशेषतः जब कई स्टोरेज बिन कन्वेयर बेल्ट के नीचे होते हैं। कन्वेयर में एक एंडलेस चैन पर कई स्टील स्क्रैपर्स होते हैं, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है या चित्र में दिखाया गया है। चैन दो पहियों पर घूमती है। इस पूरे सिस्टम को स्टील या कच्चा लोहे से बने आवरण में सील कर दिया जाता है। चैन की गति के अनुसार जब स्क्रैपर आवरण में चलते हैं तो कोयला इसके साथ आगे बढ़ता है। कोयला आवरण के एक एंड पर भरता है और दूसरे एंड पर निकास हो जाता है। जैसा कि सारे उपकरण में ऐसा ही होता है कि कोयला एक जगह पर भरता है और दूसरी जगह पर ले जाके उसका निकास कर देता है। अब इस स्क्रैपर के आप एडवांटेजेस देखेंगे कि क्या इसके एडवांटेजेस हैं। कोयले के साथ ऐस का डिस्पोजल भी उपयुक्त है। यह व्यवस्था कम जगह घेरती है। इसकी संरचना मजबूत और संचालन सरल है। इसकी गति सीमा 30 से 45 मीटर पर मिनट है और आवश्यकता अनुसार इसे बदला भी जा सकता है। इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इसमें अन्य व्यवस्था की तुलना में पावर का व्यय अधिक होता है। इसके पर्स और क्रेसिंग की घिसाई पर टूट फूट अधिक होता है। नाउ अगला जो है ये है स्क्रू कन्वेयर। स्क्रू कन्वेयर का प्रमुख भाग एक स्क्रू या हेलिकल होता है या है, जो कि फिगर में दिख रहा होगा कि ये क्या है, कुछ स्क्रू के आकार है। आप स्क्रू देखे होंगे तो उसमें देख पा रहे होंगे कि उसमें एक रिंग टाइप का बना होता है, एक सर्कल टाइप का, जो कि सर्कल क्या है, एक घूमता रहता है ऊपर की तरफ होता है, जो दोनों एंडों के साथ साथ मध्य में बियरिंगों द्वारा सपोर्टेड होता है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। अब देख पा रहे होंगे आप लोग कि ऊपर में प्रवेश लिखा हुआ है, जहां से कि प्रवेश करवाया जाता है कोल का। फिर ये बियरिंग के माध्यम से जो आपको स्क्रू दिख रहा होगा ये घूमता रहता है। जब ये घूमेगा और आगे की तरफ ये क्या करेगा, कोयले को प्रवाहित करेगा या आगे की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। और ये जब कोयले को आगे की तरफ ले जाएगा तो कोयला आगे की तरफ से निकास होकर नीचे की तरफ गिर जाएगा। और ये बियरिंग को मोटर के द्वारा मूव करवाया जाता है या मोटर के द्वारा ही चलाया जाता है। और मोटर के द्वारा जो गति प्राप्त होती है रिड्यूसर के माध्यम से उसको कम किया जाता है और हेलिकल्स को चलाया जाता है। यह हेलिकल्स द्वारा कम किया जाता है और हेलिकल्स को संचालित किया जाता है। यह हेलिकल्स, हेलिकल आपको उसी को बताया गया जो स्क्रू की तरह घूमता हुआ है, उसी को हेलिकल बताया गया। हेलिकल एक एंड पर कोयले के माध्यम से बंद रहता है और एक स्क्रू क्रिया द्वारा दूसरे एंड पर ले जाया जाता है। क्योंकि हेलिकल्स घूमता है, आवश्यकता अनुसार लंबाई के किसी भी पॉइंट पर कोयला निकास किया जा सकता है। स्क्रू की गति 100 RPM हो सकती है और क्षमता 100 टन पर आवर तक हो सकती है। आमतौर पर इस कन्वेयर की जो लंबाई होती है ये 60 मीटर और क्षैतिज का जो झुकाव होता है ये 35 डिग्री तक सीमित है। अब देखते हैं कि स्क्रू कन्वेयर के क्या लाभ है, यानी कि एडवांटेजेस ऑफ स्क्रू कन्वेयर। यह कम जगह घेरती है और इसे डस्ट प्रूफ भी बनाया जा सकता है। और उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जिसको आप डिसएडवांटेजेस भी बोल सकते हैं। पहला, टूट फूट अधिक होता है और इलेक्ट्रिसिटी का खर्च भी अधिक आता है। अगला आपका जो उपकरण है ये है स्किप हाइस्ट। इसका उपयोग कोयले को ऊर्ध्वाधर दिशा में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। दो गाइडों के बीच में एक बाल्टी नीचे चल रही होती है। बाल्टी को ट्रिगर करने के लिए केबल वायर का उपयोग किया जाता है। यह केबल वायर एक सीव या पुली और ड्रम पर लपेटा जाता है। इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से सीव या पुली को घुमाकर
केबिल को खोला या लपेटा जाता है। केबिल की गति लगभग 30 मीटर पर मिनट होती है। अब स्किप के लाभ यानी कि एडवांटेजेस ऑफ स्किप, कम पावर की आवश्यकता होती है, अपेक्षाकृत कम जगह घेरते हैं और संचालन या संरचना या रखरखाव सरल होता है। अब इसके क्या है लिमिटेशंस, क्या क्या हैं, प्रारंभिक लागत अधिक होती है, केबिल की टूट फूट होती है और कोयले की प्राप्ति रुक रुक कर होती है। नाउ अगला पॉइंट है, ये है ग्रैब बकेट कन्वेयर, उसी के सामने उसका फिगर भी दिखाया गया है। ग्रैब बकेट का उपयोग ट्रक या वैगन से कोयला उतारने या अन्य कन्वेयर का स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। यह एक ऐसा कन्वेयर है जिसका उपयोग कोयले को एक ही रास्ते से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसे हाथों और पावर दोनों द्वारा चलाया जा सकता है। ग्रैब बकेट कन्वेयर की क्षमता लगभग 100 टन प्रति घंटा। इस मशीन की प्रारंभिक लागत अधिक है लेकिन परिचालन लागत कम आता है, यानी कि जो प्रारंभिक लागत इसको खरीदने में जो कॉस्ट आता है वो अधिक है लेकिन उसके बाद का कॉस्ट इसका सस्ता पड़ता है। अब है पांचवा पॉइंट, कोयले का आउटडोर स्टोरेज। कोयले की अनुपलब्धता के कारण कोई भी प्लांट कार्य करना बंद कर देता है, इसलिए कोयले की एक निश्चित मात्रा हमेशा स्टोर रखी जाती है। प्लांट परिसर में सुरक्षित रूप से कोयला रखने के सिस्टम को स्टोरेज कहा जाता है। इसके अतिरिक्त कोयले के पर्याप्त स्टोरेज की स्थिति में मैनेजरों को आवश्यकता के अनुसार उचित मूल्य पर कोयला खरीदने की भी स्वतंत्रता होती है। आमतौर पर एक सुरक्षित रिजर्व में कोयले की वार्षिक खपत का लगभग 10% रखना पर्याप्त तो होता है। कोयला का स्टोरेज दो प्रकार का होता है, पहला लाइव स्टोरेज, दूसरा डेड स्टोरेज, जो कि प्रीवियस के वीडियो में मैं आपको उसको डीपली बता चुका हूँ या विस्तारपूर्वक मैंने बताया हुआ है। डेड स्टोरेज से कोयले की आपूर्ति, कोयले की हड़ताल, प्राकृतिक आपदा आदि जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों से की जाती है। लाइव स्टोरेज से कोयले का दहन, स्टोरेज को आपूर्ति प्लांट के संचालन के लिए आपूर्ति की जाती है। डेड स्टोरेज की तुलना में लाइव स्टोरेज में कोयले की मात्रा कम होती है। लाइव स्टोरेज स्टील या आरसीसी से बने बंकरों के रूप में होता है जिसके निचले हिस्से में कोयले की निकासी के लिए एक गेट बनाया जाता है। कोयला एक दहनशील पदार्थ होने के कारण इसका अधिक और सुरक्षित स्टोरेज बनाना आवश्यक होता है और ये बनाना बहुत कठिन भी होता है। यह लगभग 27 डिग्री सेल्सियस के सामान्य तापमान पर ऑक्सीकरण शुरू कर देता है जिसको इनका भार और कैलोरी मान कम हो जाता है। यदि ऑक्सीकरण की क्रिया तीव्र है तो कोयला दहन भी संभव है, इसलिए इसके स्टोरेज में विशेष सावधानियां बरतनी होती हैं। कोयला स्टोरेज में रखी जाने वाली कुछ विशेष सावधानियां को पढ़ लेते हैं। पहला है, कोयला स्टोरेज स्थल के आसपास कोई स्थिर जल नहीं होना चाहिए, इससे क्या है नमी क्रिएट करेगा। कोयला रखने के स्थान पर कि आप उसके आसपास ज्वलनशील पदार्थ जैसे पेट्रोल, केरोसिन आदि को स्टोर नहीं किया जाना चाहिए। थर्ड है, कोयले के ढेर को कॉम्पैक्ट किया जाना चाहिए ताकि हवा इसमें अंदर से गुजरे और दहन संभव ना हो। स्टोरेज स्थल के पास पर्याप्त आग बुझाने के उपाय और उपकरण उपलब्ध होने चाहिए। जहाँ तक संभव हो कोयले के ढेर शंक्वाकार नहीं रखा जाना चाहिए। अगला पॉइंट है, जहाँ तक संभव हो कोयले को तीव्र और ब्राइट सूर्य की रोशनी से दूर रखना चाहिए। स्टोरेज स्थान के पास स्टीम पाइप नहीं होना चाहिए। कोयले को बार बार गीला और सूखा नहीं करना चाहिए। स्टोरेज स्थल को ऐसे स्थान पर चुना जाना चाहिए जहाँ स्थानांतरण लागत मूल्यों
ये जो भी कुछ पॉइंट आपको मैंने पढ़ के बताया है, ये क्या है, कोयले की स्टोरेज में रखी जाने वाली सावधानियां हैं जो कि मेन है। कुछ मेन आपको मैं ऐसे ही बता देता हूँ जो कि मेन आपको ध्यान रखने योग्य है, जो कि आप बिना जाने भी इसको बता सकते हैं कि जब स्टोरेज आप किसी भी ऐसे मटेरियल या फ्यूल का करते हैं तो आप ये ध्यान में रखते हैं कि वहाँ पे कुछ फायर सिस्टम ना हो जो कि जलने योग्य हो, जो कि आसानी से जल जाए, यानी कि पेट्रोल वगैरह ये सब, ठीक है। और हवा का जो स्थानांतरण वो आसानी से हो सके। और इसका क्या, शंक्वाकार आकार में एक ही ढेर नहीं बनाया जाना चाहिए, कुछ अलग अलग भाग में इसको रखना चाहिए ताकि अगर एक जगह या एक ढेर पे आग लगे तो वो दूसरी ढेर पे ना पकड़े या उसको आसानी से बुझाया जा सके। इस वजह से अलग अलग ढेर बना के या छोटा छोटा रखना चाहिए। कोयले के स्टोरेज को निम्नलिखित उपाय करके सुरक्षित बनाया जा सकता है, जो कि मैंने अभी बताया है। विभिन्न प्रकार के कोयले को अलग अलग ढेर या स्टैक किया जाना चाहिए। यदि ऐसा आप करते हैं तो किसी समय में जब आग लगने की संभावना होती है तब अन्य प्रकार के कोयले बच जाते हैं। दूसरा, यदि कोयले के ढेर पर डामर लगाया जाता है तो वायु प्रवाह कम से कम होगा और दहन की संभावना भी कम हो जाएगी। यदि समान आकार का कोयला देर से रखा जाता है ताकि देरी के दौरान हवा का प्रवाह समान रहेगा, इस प्रकार ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया से हीट उत्पन्न हीट हवा के साथ चली जाती है और कोयला दहन की संभावना को कम कर देता है। कवर्ड स्टोरेज, नेक्स्ट टॉपिक है कवर्ड स्टोरेज। लाइव स्टोरेज या कवर स्टोरेज से दहन उपकरण तक कोयले का ट्रांसफ़र एक छोटे से रीट्रांसफ़र सिस्टम द्वारा किया जाता है। इसमें बंकर या कोयला बिन बनाकर कोयले को जलाशयों में रखा जाता है। सर्वाधिक प्रयोग में आने वाले लाइव स्टोरेज बंकर स्टील की 6 mm यानी कि 6 mm मोटी प्लेट से बने सस्पेंशन टाइप के ओवरहेड बंकर होते हैं। कभी कभी ये RCC के भी बने होते हैं। अगला टॉपिक है इन प्लांट हैंडलिंग। प्लांट के भीतर कोयले को लाइव स्टोरेज से दहन सिस्टम द्वारा दहन उपकरण तक पहुंचाया जाता है। प्लांट परिसर में कोयला हैंडलिंग के लिए बेल्ट कन्वेयर, बकेट एलिवेटर, स्क्रैपर कन्वेयर इत्यादि उपकरणों का उपयोग किया जाता है, जो कि मैंने कुछ ही देर पहले इन उपकरणों को विस्तार पूर्वक समझाया है। अगर आप अभी से वीडियो को शुरू कर रहे हैं तो आप कुछ टाइम पहले इसको बिफोर करके आप इसको समझ सकते हैं। यदि साधारण स्टॉकर फायरिंग का उपयोग किया जाता है तो कोयले को स्टोरेज स्थल से केवल सूट का उपयोग करके दहन सिस्टम में ले जाया जा सकता है। यदि एक पूर्ण कोयला दहन सिस्टम का उपयोग किया जाता है तो सूट पल्वराइज्ड मिल, फीडर, तौल उपकरण और अन्य उपकरणों की आवश्यकता होती है। अब आपका जो अगला टॉपिक है और आज के क्लास का ये लास्ट टॉपिक होगा, ये है माप और भार, यानी कि मेजरिंग और वेटिंग। विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार की गणना करके कोयले की गुणवत्ता की जांच करने और विभिन्न स्थानों पर प्लांट चलाने की लागत आदि के लिए प्लांट में कोयले का तौल आवश्यक है। कुछ प्रमुख आवश्यकताएं इस प्रकार हैं। पहला, कोयले की कीमत का अनुमान लगाना। दूसरा, कोयले की गुणवत्ता का परीक्षण करना। तीसरा, प्लांट में कोयले के भंडारण की आवश्यक निम्न स्तर और प्राप्ति को सुनिश्चित करना। कोयले के मूल्य की प्राप्ति दर और खपत दर, विभिन्न बॉयलरों से दहन से संबंधित अलग अलग गणना करना।
ये तो हो गए आपके कुछ प्रमुख आवश्यकताएं जो कि माप और भार के लिए करने के लिए आवश्यकताएं होती, उनको मैंने बताया। अब है कोयले के तौलने के मुख्य विधियां, जो कि दो विधियां, पहला है आपका आयतन विधि और दूसरा है आपका भार विधि। आयतन विधि में कोयले को पहले बड़े ढेर में इकट्ठा किया जाता है, ढेर को मापने के बाद इसकी मात्रा विभिन्न गणितीय सूत्रों द्वारा निर्धारित की जाती है, फिर भार को औसत घनत्व से गुणा करके निर्धारित किया जाता है। और दूसरा है भार विधि। भार विधि में भार वाले मशीनों द्वारा सीधे लोड किए गए ट्रक या रेलवे वैगन का भार निर्धारित किया जाता है। इसके बाद कोयले का शुद्ध भार खाली ट्रक या वैगन के भार को कम करके निर्धारित किया जाता है। मुख्य भार मशीनें भार ब्रिज, बेल्ट स्केल और स्वचालित पैमाने हैं। जो आपका दूसरा वाला जो विधि है भार विधि, ये अधिकतर उपयोग में लाया जाता है। आप लोग देखते होंगे कि और भी जो माप करने के माध्यम यानी कि वेट करने के जो माध्यम होते हैं उसमें ये जो भार विधि है यानी कि वेट करने का जो मेथड है ये अधिक प्रचलित है। आप लोग क्या करते हैं या नॉर्मली जो किया जाता है, पहले जो ट्रक भरी रहती हैं उनको पहले क्या कर लिया जाता है, तौल लिया जाता है। उसके बाद जब ट्रक खाली होती हैं यानी कि जब आप अपना माल या फिर प्रोडक्ट हटा लेते हैं वहाँ से उतार लेते हैं, उसके बाद खाली ट्रक को एक बार मेजर कर लिया जाता है और उसके उससे माइनस कर लिया जाता है, जिससे आपके जो प्रोडक्ट का वेट है वो निकल के आ जाता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। हम लोगों ने आज की क्लास में बहुत कुछ पढ़ा, जिसमें कि हम एक बार और इसको देख लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले तो फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम को जाना कि आपके फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम क्या होते हैं, कैसे होते हैं, जिसमें कि कोयले की आपूर्ति से लेकर फ्यूल को जलाने तक को समझें। पहले हमने कोयले की आपूर्ति को बताया है, कोयले की आपूर्ति कैसे होती है, उसके बाद कोयला उतारना, फिर उसके बाद कोयले की तैयारी कैसे की जाती है जिसमें उसके जो प्रोसेसेस होते हैं उसको बताया, जिसमें क्रशिंग, आकार देना, सुखाना और मैग्नेटिक सेपरेटर इत्यादि का जो प्रोसेस होता है इसको बताया। उसके बाद उसके कोल का जो ट्रांसफ़र का प्रोसेस होता है मैंने उसको बताया, जिसमें कि बहुत सारे उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, उसको एक एक करके मैं समझाने की कोशिश किया, जिसमें कि बेल्ट कन्वेयर, और बकेट एलिवेटर, उसके बाद स्क्रैपर कन्वेयर, उसके बाद है स्क्रू कन्वेयर, उसके बाद नेक्स्ट है ग्रैब बकेट कन्वेयर। इन सबको मैं बताया और इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि इसके लाभ क्या क्या होते हैं, या किस जगह पर कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है, या फिर कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिससे कि जो ये ट्रांसफ़र का सिस्टम है, कोल ट्रांसफ़र का जो सिस्टम है वो सुचारू रूप से चल सके, उसको देखा। जिसमें कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, कुछ ऐसे उपकरण है जिसके कुछ लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस भी हैं, उसको हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद अगला जो आपका टॉपिक था जो कि आज डिस्कस हो गया है वो है कोयले की आउटडोर स्टोरेज। स्टोरेज के बारे में इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके थे और एक बार और हम लोग इसको डिस्कस कर लिए, जिसमें कि लाइव स्टोरेज और डेड स्टोरेज की को भी पढ़े हैं, इसको कब किस जगह या फिर कैसे यूज किया जाता है इन स्टोरेज को, इसको भी हम लोग जाने हैं। और इसके जो सावधानियां होती हैं कोयला स्टोरेज में रखी जाने वाले कुछ सावधानियां, इस पर क्या क्या सावधानियां रखी जाती है इसको जाने हैं। इसके बाद कोल स्टोरेज को सुरक्षित कैसे बनाया जा सकता है, फिर भार और माप के बारे में पढ़े हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये पावर प्लांट इंजीनियरिंग की क्लास समझ में बेहतर तरीके से समझ में आई होगी, और इसके पहले की वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं, अगर उसको देखेंगे तो ये क्लास या फिर ये टॉपिक आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा।
ठीक है, अंततः हम आशा करते हैं कि आपको जो मैंने बताया है वो समझ में आया होगा, आप लोग खुश होंगे और संतुष्ट होंगे। धन्यवाद।